कितना प्रोडक्शन के बाद जब ये बातें आती हैं, 80% ग्रामीण जनसंख्या निर्धारित 2400 किलो कैलोरी से कम और 70% शहरी आबादी 2100 किलो कैलोरी से कम हो जा रही है, तो डॉक्टर तिवारी साहब ने जो कहा कि वो पीडीएस सिस्टम और पीडीएस सिस्टम पर वो मार्ग उस तरह से लगता है कि ये जो जितने जो गोडाउन बने हैं वो शहरों में क्यों बनते हैं, गाँव में क्यों बना दिए जाए, जहाँ निधि है वहीं पर बना दिए जाए तो आदि उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, जिसको स्वामीनाथन साहब बढ़ा देते हैं। हम उस पर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन पर काम केंद्रित रहेंगे, इस पर ज्यादा रहेंगे। कुपोषण सूक्ष्म तत्व जो मैक्रोन्यूट्रिएंट मालन्यूट्रिशन की बात है, कुपोषण सूक्ष्म तत्वों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कुपोषण एवं सूक्ष्म तत्व जनित कुपोषण दोनों में अंतरंग संबंध है। प्रोटीन और ऊर्जा का पोषण को दूर करने के लिए सूक्ष्म तत्व जनित कुपोषण को दूर करना बहुत जरूरी है। उसमें एक सिर्फ आयोडीन का ही एग्जाम्पल लेना होगा कि पूरे लाइफ के लिए सिर्फ आयोडीन की 1/4 टीस्पून से भी कम की जरूरत होती है, लेकिन यदि वो 1/4 टीस्पून से कम या हो जाए तो जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसके लिए जरूरी है कि तो यदि कम हो गई तो जो बच्चा होगा मल्टी डिस्ट्रैक्टेड होगा और साथ साथ होगा, तो उस तरह से इम्पॉर्टेंस होती है सूक्ष्म तत्वों की। और मैं चूंकि वेजिटेबल्स को कहूँगा कि वेजिटेबल्स हमारी सूक्ष्म तत्वों में काफ़ी घनी है, और आज के दिन जो वेजिटेबल्स हैं उसमें 2000 से ज़्यादा फाइटोकेमिकल्स काफ़ी स्वास्थ्य का सूचकांक है जो इनके हेल्थ इंडस्ट्री से वेबसाइट से लिया है, और इसमें कुछ डेटा काफी परेशान करने लायक है, जैसे शिशु मृत्यु दर को ले लेते हैं, सिर्फ एक डेटा को ले लेते हैं तो ये इसमें यदि कहीं भारत का है तो 53 हमारे जो शिशु मृत्यु दर है, ये डेटा 1000 पर लिए जाता है, यानी यदि बच्चा जन्म ले लेंगे 5 वर्ष के अंदर यदि मर जाता है उसमें 53 बच्चे हैं, जबकि वहीं चीन को ले लेते हैं बहुत बढ़िया, जब आप अगर बात छोड़ते हैं और अपने यहाँ ही केरल को लेते तो कितना बढ़िया प्रकट किया कि उसका जो शिशु मृत्यु दर क्या है, तो केरल मैं कहूँ कि दैट इज रनिंग एट ऑल यू कैन दिस योर डेवलप कंट्रीज, तो उस तरह की चीज़ों को हमको भी जरूरत है। और ये सारी चीज़ें जो उनमें संभव है और सारी चीज़ों पर मैटर जो डिफरेंट है सब चीज़ों पर सब चीज़ें एक बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। ये होता है कि जितने कुपोषण के बच्चे हैं उसमें 53% बच्चे हमारे कुपोषण के शिकार हैं। चाहे हमारे कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या और हर 2 ही बच्चा एक कुपोषण का शिकार है, तो इस तरह की फूड सेल्फ सफिशिएंसी हम लेकर के क्या करेंगे। और ये जो कुपोषण है उसमें जहाँ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत बड़ी समस्या है। और ये कुपोषण का जो ये ग्रामीण और शहरी में बात करते हैं, कुछ जो फंड था उसके चिन्ह होने से इस तरह से समस्या आ रही, उसमें ग्रामीण में जो है 55% और 45 में कुछ शहरी आबादी में कुछ उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है और कुछ थोड़ा सा एजुकेशन का लेवल ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें भी एड्रेस करती हैं मालन्यूट्रिशन को ठीक करने में। और उसमें एक चीज़ को कहने की ये जो मालन्यूट्रिशन है और विशेष करके माइक्रोन्यूट्रिएंट मालन्यूट्रिशन है ये बड़ा साइलेंट किलर है, उसका ये कहें कि एक इनकी कमी के कारण 1% हमारे जीडीपी का नुकसान होता है, जिसका हम 27,720 करोड़ रुपए के बराबर है, ये सिर्फ एक ही कुटी देता और तीनों को यदि जोड़ लें तो ये देखें तीनों को यदि निकाल दिया जाए तो जिन तीनों की कमी को 1,60% कारण किया जाए तो प्रति वर्ष 3,30,000 बच्चों की विटामिन ए की कमी के कारण और प्रोफेसर राष्ट्रीय तिवारी साहब जो ओबेसिटी का डेटा प्रस्तुत कर रहे थे, मैं जान बुझ कर इंडिया का डेटा उसमें नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज के जो लोग कहते थे और जो नॉनवेज डाइट की तरफ वो इंडिकेट करते थे, वो जहाँ वो कहते थे हमको कि आपका वेजिटेरियन डाइट लेते हैं हमको देखते हैं कि जो मैं वैल्यू एडेड प्रोटीन लेता हूँ, मैं कहता हूँ आप जो वैल्यू एडेड प्रोटीन लेते हो उसके साथ वैल्यू एडेड फैट भी लेते हो, इस वजह से सबसे ज़्यादा ओबेसिटी से ग्रस्त आपकी समस्या है। और आज हम वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो आज हम अभी अभी भी ठीक है, और उनने देखा कि आज जर्मनी की कहानत यह है कि उनके बेड ऊपर से नवाने तो पैंट नीचे की सक जाए जितने की और ये ओबेसिटी अकेले नहीं आती, जो ओबेस पर्सन से उसको हाइपर टेंशन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और हाइपर टेंशन हाई ब्लड प्रेशर से दोनों किडनी को अफेक्ट करते हैं। और जो नया अनुसंधान आया है उस पर तो ये कहें कि जो ओबेस पर्सन है वो कैंसर के प्रति काफ़ी प्रॉब्लम है, तो ये कहें कि वेजिटेबल्स को खाइए, जिंदगी भर खाइए, कभी आपको ओबेसिटी होगी नहीं, क्योंकि वेजिटेबल्स में तो
पास 0.01% तक के जो उसमें फैट्स हैं और कमी भी और इतनी ज़्यादा उसमें वाटर कंटेंट की बहुत सारी चीज़ें। सब्जियाँ कोई सी चीज़ नहीं छोड़ती है कैंसर, कैंसर को कहते हैं कि 70% कैंसर का जो काज है वो आपका जो है लाइफ स्टाइल और जो है सिर्फ लाइफ स्टाइल और फूड स्टॉक्स हैं। और मेरा ये दावा है कि यदि आप जो है रंगीन सब्जियाँ और फलों को खाइए तो कम से कम 70% आप कैंसर को काज कर सकते हो। फल और सब्जियों में बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी बहुत अच्छी जो है रेडिंग प्रॉपर्टीज है, इसके साथ तमाम जो है हाइपरटेंशन यहाँ तक कि जो अल्जाइमर शुगर है जैसे ना पार्किंसंस जैसी समस्याएं हैं उनमें भी ये जितनी हमारी लेमन वेजिटेबल्स हैं उसमें इतना बढ़िया होता है कि रुका आपके जो है जो न्यूरॉन्स हैं इनको स्ट्रेंथन कर देता है और ये समस्याओं से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। और ये सारी चीज़ों पर एक बढ़िया सब्जियाँ कंट्रोल करती हैं। एक सिंपल सी एक स्लाइड से जो विटामिन सी की बात करते हैं, ये बड़ी लाइन जो है विटामिन सी बड़ी काम की विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। हमारा जो एनआईएन की संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद की पत्र है कि 60 मिलीग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाए। ऐसे में आपके अभी जो नई रिकमेंडेशन आई है उसमें कहते हैं 90 मिलीग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीजिए। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहता है कि इस अमाउंट को यदि 250 मिलीग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बढ़ा दीजिए तभी शरीर को बढ़िया फायदा मिलेगा, कभी उसका नुकसान नहीं मिलेगा और ये संभव है कि आपकी उम्र भी बढ़ जाए, 4-5% तक उम्र बढ़ जाए। इतना जबरदस्त उसके लिए विटामिन सी की बात करते हैं और विटामिन सी का जरूर सोर्स आप इसे सावर कुछ लेते हैं जितने कट्टे फल हैं और जितने ताज़ी सब्जियां बहुत अच्छी स्रोत हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि दिन प्रतिदिन पता नहीं कि हम मीठे खाना जो पसंद कर रहे हैं सावर खाना कम कर देते जा रहे हैं और यही वजह है कि जो पिछली शताब्दी पिछला दशक तक बीतता है उसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज के पेशेंट हमारे पास। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर स्वीट खाने के जितना टेस्ट डेवलप करते हो उतना सावर खाने का भी टेस्ट डेवलप करें। ये नेचर का एक बैलेंस है उसको मेंटेन करिए और उसके लिए आप ही दोषी नहीं हो, हम भी दोषी हैं। आज के दिन में जितने आपने जितने स्वीट वाली वैरायटी जो आप पूछते हैं वो हम देते जाते हैं। बचपन में मुझे याद है कि जितनी मसूमेलन आते थे खरबूज आते थे 3-4% मिठास वाले होते थे। आज हमने कहा आज आपने कहा कि हमको बहुत हाई टी एस एस वाला चाहिए, आज हमारे पास जो वैरायटी देख कर 14-15% मिठास वाले हैं। हमारे जितने टेबल पर जितने जोशी मैंगो थे सभी समाप्त होकर सभी टेबल पर मैंगो दे रहे हैं तो वहाँ पर भी एक एडजस्ट करने की जरूरत है। जैसे अभी तुम्हारे सिक्वेस्टिस बहुत थकावन भी थी लेकिन लोगों की डिमांड थी कि सभी डेलीशियस टाइप का होना चाहिए, जितना रोटी स्टाफ पर सभी सिल्वेस्टिस पर सभी पर डेलीशियस की जो है वर्डिंग कर देगी आज के सभी जो है सेब जो है बिल्कुल मीठे होते जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ों की जरूरत नहीं है। सब्जियाँ बहुत सारे तत्वों से भरपूर और सिंपल सिंपल चीज़ों में बता दें कि फाइबर से बहुत अच्छी सोर्स हैं और तमाम विटामिन की जरूरत है, 2000 से ज़्यादा माइक्रोकेमिकल्स इसमें निर्धारित किए जा चुके हैं। फाइबर बहुत जरूरी है, फाइबर को सिर्फ एक शब्द में कहें कि आज के दिन में जो मद्रास है वो वर्ल्ड का डायबिटीज का सेंटर बनने जा रहा है क्योंकि वहाँ के लोग जो है फाइबर ऐसी सब्जियाँ खाते हैं, तमिलनाडु में सब्जियाँ होती हैं लेकिन वो दूसरे स्टेट को भेज देते हैं और उन्होंने अपना जो पुराना तरह का खाना रसम बसम और सारी चीज़ें सावर खाते हैं उसमें सब्जियों का इतना कम अंश ले रहे हैं कि उनके लिए एक समस्या बनने जा रहा है। तो उनके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह से वो जो फाइबर युक्त सब्जियों को खाएं जिससे कि इस समस्या को दूर कर सकते हैं। फाइबर युक्त अपने आप बहुत इंपॉर्टेंस है, डायबिटीज को कम करता है और सारी चीज़ों को आपके जो है कॉन्स्टिपेशन को रोकता है। और ये बता दें कि यदि 40 ग्राम जो है यदि आप फाइबर की सप्लाई अपने शरीर को करें तो कभी आपको कोई कैंसर की समस्या आएगी नहीं। और ये सारी चीज़ों को प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम बता रहा है कि कौन कौन से हैं, विटामिन सी और कुछ इसमें जो है हमारे जो ऑक्सीजन रेटल एक्सपेरेंस कैपेसिटी की जो बात कर रहा है कि इसमें कुछ सब्जियां हैं जिनकी की मात्रा ज़्यादा होती है। कुल मिला के कहूँगा कि मैं इस लाइफ के माध्यम से कहूँगा आप लोगों के लिए कहूँगा कि आप लाइफ में कभी चूजी मत। सबसे बड़ी वर्तमान आदमी की परेशानी यह है कि आदमी चूजी होता रहता है, इससे उसकी जो फूड बास्केट है उसमें कमी होती जा रही है। आप कभी जैसे सीरियल्स की तरफ जितना आप जो है फाइन ग्रेन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उतने ही कोर्स ग्रेन की तरफ हुई क्योंकि कोर्स ग्रेन जो है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसके बहुत अच्छे साधन हैं। उसी तरह से जो है सब्जियों पर आप कभी चूजी मत हुई, सात तरह की सब्जियाँ हमारे यहाँ कमर्शियल रूप से उगाई जाती हैं और जो माइनर वेजिटेबल्स हैं पेड़ उनकी संख्या को जोड़ दें तो वो करीब 600 से ज़्यादा की संख्या होती है माइनर। और फूड स्टॉक्स में एक सिंपल सिद्धांत है कि एक चीज दूसरे का कभी विकल्प नहीं बनता। यदि लौकी टमाटर के विकल्प होती है तो लौकी के लिए बाबा रामदेव इतना प्रचार नहीं करते। नेक्स्ट पेज पर
विसर्जन को ज्यादा प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ, जैसे ब्रोकली को, ये ब्रोकली का फोटोग्राफ ब्रोकली संस्थान से लिया है, और ब्रोकली में जो ग्लूकोसिनोलेट करके केमिकल्स है वो एंटी कैंसरस है, और आज के दिन में जो है ब्रोकली को अमेरिकन अपने जो है सलाद में यूज कर रहे हैं, अपने फूड स्टफ्स में सबसे ज्यादा ले रहे हैं, तो इसके लिए लीजिए। और ये जो लेवल ऑफ जियाजेंथिन है ये पत्ती वाली स्किन में बहुत अच्छे होते हैं, क्लेटिन और जियाजेंथिन ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनका शरीर में जो है बिना के लिए सिंथेसिस होती है, और क्लेटिन और जियाजेंथिन आपके मैक्रोब को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसीलिए यदि कभी आदमी को कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर कहता है कि पहले मैं आपको आपको टेस्ट करूँ कि अगर ऑपरेशन लायक है कि नहीं है, वो सिर्फ मैक्रोब रीजन्स को देखता है कि मैक्रोब रीजन्स उसके मेंटेन है कि नहीं, और मैक्रोब रीजन्स को मेंटेन करने के लिए सिर्फ क्लेटिन और जियाजेंथिन की जरूरत होती है दो ट्रीटमेंट्स की, और इन दोनों ट्रीटमेंट की जो फराकाई करते हैं सिर्फ ग्रेन लीफी वेजिटेबल्स से उसकी करते हैं, पत्ती वाली सब्जियों की इसके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और दूसरी बात यह है कि जो जितना ही एक्टिव रहता है उसमें सबसे ज्यादा अपने रेटिकल्स उत्पन्न होते हैं, रेटिना जो है सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, आपकी पुत्री सबसे ज्यादा चलती है तो उसमें सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं, और वहाँ के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसके लिए जरूरी है कि आप पत्ती वाली सब्जियों को रोज सेवन करें, पता है पत्ती वाली सब्जियों के ऊपर ध्यान रखना है। और एक कड़ा के माध्यम से बता दें कि जो कड़ा बता दिया तो आप हरी सब्जियों को खाइए, और खाए के कलर को आप ले लीजिए, उसमें सफेद सब्जियों का ले लीजिए, सफेद सब्जियों में लहसुन जिंदगी भर से हम लोग सेवन करते आ रहे हैं, सब बढ़िया एंटी कैंसर है, एक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बहुत बढ़िया लेवल कम करता है, और विशेष करके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को जो है जो सबसे हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करता है, और जितने ब्रैसिका ग्रोथ के वेजिटेबल्स हैं जिसमें जैसे आपकी जितने जितना लाइकोपीन टमाटर उसका बहुत अच्छा सोर्स है, और थोड़ा सा एक लेडीज की तरफ बता दें कि जो लाइकोपीन है उसको सलाद के रूप में तो अपने घर वालों को परोसे ही, लेकिन यदि उसको ये लाइकोपीन जो है फैट सॉल्युबल है तो इसको यदि थोड़ा फैट के साथ करके दीजिए तो जो है ज़्यादा उसका जो है निष्कर्षण होता है, एक अपील यूज करने में आ जाएगा। और ये जो लाइकोपीन है सबसे बड़ा काम तो ये करता है कि जो आपकी प्रोस्टेट कैंसर है उसको दूर करने में बहुत जरूरी होता है। इंडोसाइन की जो रेड कैबेज है इसका सलाद के रूप में यूज करिए, और वैसे जो है सलाद के रूप में यूज करिए, और सबसे बड़ी कुछ और हम बताएंगे आगे जो पीले रंग की सब्जियां हैं, पीले रंग की सब्जियों में जैसे पीला कैप्सिकम की बात करें, जनरली हम जो ग्रीन कैप्सिकम का यूज करते हैं उसका फूड स्टफिंग करके करते हैं, बाहर के देशों में देखें तो इस तरह के जो कैप्सिकम है उनके सीधे ब्रेड के ऊपर सलाद के रूप में यूज कर लेते हैं, और जितना ये विटामिन ए का जो प्रिकर्सर है जो है बीटा कैरोटीन, ये बहुत अच्छी चीज है। और नेक्स्ट ये सभी के जो है मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस भी बताया, ब्रोकली आज के दिन में बहुत बढ़िया है एंटी कैंसर के रूप में ले सकते हैं, टमाटर को प्रोस्टेट कैंसर को रोक करने में, और जो जो अदर हार्ट डिजीजेस हैं स्टमक हार्ट डिजीजेस हैं उनको कंट्रोल करने में भी टमाटर का बहुत अच्छा रोल है, लहसुन एलडीएल को कम करेगा, और प्याज में बहुत अच्छा सल्फर और कर्नाट का स्रोत होने के साथ ये जो ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने काम करता है, पालक जितना जो है लेकिन और जियाजेंथिन का बहुत अच्छा स्रोत है, और नहीं करने कि 70% आपके स्वास्थ्य अच्छा दे सकते हैं, जितना लुक अच्छा दे सकते हैं लेडीज के लिए, तो मेरा ये कहना है कि आज सिर्फ सब्जियों को खाइए, आपको कभी जो है मोटापा होगा नहीं, जिसके लिए बहुत ज्यादा लेडीज चिंतित रहती हैं। और दूसरी बात ये कि सब्जियों के दिन सब्जियों में कई कहेंगे जैसे पेपिका वगैरह में हम जो काम कर रहे हैं, पेपिका वगैरह में इतना बढ़िया कलरिंग एजेंट आपको देंगे कि वो लिपस्टिक के लिए इससे बढ़िया कोई लिपस्टिक बनेंगे नहीं, जिसके लिए वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि उसका जो ओलिओरिजिन है जिसका उसका जो पेपिका का जो ओलिओरिजिन है उसमें इतना बढ़िया कलरिंग एजेंट आता है, इतना बढ़िया उसका टिकाऊ है, इतना बढ़िया उसके फैलने का है कि बहुत सारी चीज़ें उस पर पूरे वर्ल्ड का टेंशन चल रहा है। नेक्स्ट पिछले 40-50 वर्षों में सब्जियों का हमारे दुकान के डायरेक्टर होते थे, डायरेक्टर कल करते थे कि जमाना था जब सब्जी लेके चलिए तो लोग पूछते थे कि घर में कोई मेहमान आया क्या, और जब फल लेके चलिए तो लोग पूछते थे क्या कोई बीमार पड़ा है क्या, आज वो स्थिति नहीं, हर तरह की सब्जी हर तरह के फल हमारे पास उपलब्ध हैं, और
हिंदू में यदि आप हमारे कभी आर्टिकल पढ़े तो मैं लिखा हूँ कि हॉर्टिकल्चर स्प्रेडिंग टुवर्ड्स द रेनबो रिवॉल्यूशन, पूरा हमारा सब्जी का उत्पादन बहुत बढ़िया रहा है। 1960 के दशक में हमारा सब्जी का उत्पादन 20 मिलियन टन से कम का था और आज के दिन में 129 मिलियन टन का उत्पादन है, ठीक करने की बहुत कार्ड इजाफा हुआ है। लेकिन इस इजाफे में सिर्फ एक बात को मैं आपके दिवाल हिसाब से कहूँगा कि करेंगे कि इसमें जो चाइना की रीत का हो जाए वो 53-54% चाइना रीत कर रहा है, जबकि हम बड़े भाव से कहते हैं कि 129 मिलियन टन का उत्पादन करके इसमें चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े सब्जी उत्पादक। लेकिन जो मेरा सीन है वो कहीं इसी में कहीं लिखा होगा 11% के आसपास दिखेगा आपको, उसमें बढ़ोतरी की जरूरत है। और ये कहने की चाइना के जो टोटल इसका जो लीड है हर फील्ड में जो लीड है उसमें सबसे बड़ी बात है जो आपकी ई सामग्री और सारी चीजों को इन्होंने इस इन ई सामग्री को सीखने के लिए चाइनीज छोड़ करके अंग्रेजी सीखा। पिछले साल मैं एक पुरस्कार ले रहा था सुराज पाटिल साहब से, सुराज पाटिल चाइना से लौट करके आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ई लर्निंग के ऊपर जितना चाइना ने रुझाव अपने पास किया उतना हमारे हमारे लोग या उस चीज की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि यंगर्स को उन्होंने खाद कर दिया। आज के दिन में हमारे यहाँ खेती में कोई आज भी पुराने लोगों के कंधे पर खेती है जबकि नए लोगों की उसमें जरूरत है, सारी तमाम चीजें। इसमें कुछ हम अनुदान देना चाहते हैं कि डिस्पाइट ऑफ फॉर्म इतना होने के बाद जैसे टमाटर का जो एवरेज प्रोडक्ट होती है, मैंने टन्स में पिक्चर दिया है उसको क्विंटल में कन्वर्ट किया है, तो 370 क्विंटल है जबकि यूएसए की खरीदता 700 क्विंटल से लेता है और भावी स्तर देता 600-800 क्विंटल है। और इसी जगह लहसुन को ले तो सिर्फ बड़े उत्पादक हमारा 40 क्विंटल किया है और वहीं कहीं इजिप्ट को देखा तो 235 क्विंटल किया, यानी 7 गुना 8 गुना हमारा प्रोडक्ट चीज हो रहा है। अभी भी हमारे जो पूरे सब्जियों के उत्पादन 16 हजार यानी 160 क्विंटल की है और जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है उस पर 1.8% प्रतिवर्ष की हमारी जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की उसके चलते जरूरत है कि सब्जी के उत्पादकता को कम से कम 25 टन बढ़ा दें। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि पूरे एग्रीकल्चर के सेक्टर से हमको कोई हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ हमको एक्सपेंशन चाहिए तो वर्टिकल एक्सपेंशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों गेहूं के कारखाना प्रभाव से 79 संकर किस्मों का अपनाया जाना है? जापान का देख लेते हैं, कोरिया का देखते हैं, वहां का जो डेटा लेते हैं तो उनके यहाँ 100% हाइब्रिड्स आ गए, हमारे यहाँ सिर्फ 17% जो है एरिया जो है हाइब्रिड्स के अंदर कवर है। और कभी कभार को तो बड़ा सरप्राइज होता है जब गांव में जाइए और किसान से पूछिए कि कौन सी टमाटर की कौन सी किस्म रहता है, अभी तो नहीं पता है कुछ दे दिया हुआ था। तो अभी भी अनआइडेंटिफाइड वैराइटीज के बारे में जाए और वैराइटी तक का पता हूँ, ये अनफॉर्चुनेट पॉइंट है। जल्द जल्द सब्जियों में बीमारी और कीड़े बहुत ज्यादा लगते हैं, इसकी बहुत बड़ी समस्या आती है। नए व्यवस्थापन और असंतुलित खाद उर्वरकों के प्रयोग के बारे में जिन्हें बोला तुड़ाई शब्द, इसके बारे में सिर्फ इतने कहेंगे कि हमारा जितना उत्पादन का नुकसान हो जाता है उतना इंग्लैंड का उत्पादन भी नहीं होता है। 30 मिलियन टन का हमारा सिर्फ सब्जियां नुकसान हो जाती है। कुछ प्रॉमिसिंग वैराइटीज हैं जो हमारे संस्थान से निकली हुई थी, DBRT-1, DBRT-2 और DBRT-86, उसमें क्या इन दोनों वैराइटीज की एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इनको जो है वाइल्ड स्पीशीज से क्रॉस कराते हैं, इसमें माइक्रोपर्सिकम हर्सुटम या ब्लेमेटस क्रॉस कराए गए थे जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इसमें जो है TLCB का रेजिस्टेंस है। और ये कहने की हमारा जो ब्रीडर थे वो बड़े नेक स्वभाव के थे, जब उनसे कटिंग के बारे में फाइल करने के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको पब्लिक डोमेन नहीं रहने दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि वैराइटी यूज होगी तो हो सकता है कि बहुत अच्छे उसमें TLCB रेजिस्टेंट लाइन की कहीं से आ जाए जो कि अभी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक काशिक संदेश काशिक कुमार दोनों हमारे जो है बड़े प्रॉमिसिंग हाइब्रिड्स हैं और इस तरह के जो हाइब्रिड्स हैं इसमें सबसे बड़ी बात ब्रीडर के ख्याल रखता है कि पर्पल कलर जो कि इस एरिया का मोस्ट एक्सेप्टेंस कलर है और साथ साथ उसके साथ ग्रीन कलेक्स को रखा हुआ है और बिल्कुल स्पाइन फ्री है। ये जो प्रोड्यूसर्स पॉइंट पर कंज्यूमर्स पॉइंट पर ये छोटी बात है बहुत जरूरी होती है, ये थोड़ा सा भी स्पाइन आ जाए तो जो है लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पीस, चिली में एक हमने बढ़िया काम किया हुआ था कि काशी अनमोल एक जो किस्म डेवलप किया वो बिल्कुल एकदम छोटे टाइप के हैं, अम्ब्रेला टाइप की किस्म है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के सिस्टम में बहुत अच्छी फिट होती है। जून में उसकी नर्सरी डाल दीजिए और जुलाई में उसकी ट्रांसप्लांट कर दीजिए और नवंबर में पूरे पौधों को उखाड़ दीजिए, नवंबर में आप गेहूं लगा दीजिए उसको,
तो एक कैश कम कैश क्रांत के लिए बहुत अच्छा काम किया सीसीएस फोर एक सुखी मर्च के लिए और सीसीएस थ्री जो थी वो टेबल पर्पज वरायटी टेबल पर्पज वरायटी का एक सबसे बढ़िया है कि डार्क ग्रीन कलर और उसकी जो लेंथ है वो 6 to 7 सेंटीमीटर से रखा गया जिससे कि बोरे में ले जाते समय वो फूटता है। नेक्स्ट इज मटर ने अर्किल का एक बढ़िया रिप्लेस दिया हम लोगों ने बीआरपी 5 और बीआरपी 6 से ये दोनों आगे की किस्में और इनको लेने के बाद जो है आप गेहूँ की किस्म को ले सकते हैं। और ये जो है काशी मुक्ति और ये जो किस्म है बीआरपी 22 काशी शक्ति काशी मुक्ति इनमें थोड़ा मिक्सिंग वैरायटी है लेकिन इसमें हॉर्टिकल्चर कैट्स बहुत अच्छे हैं फलियाँ देखने में बड़ी खूबसूरत होती हैं और साथ ही साथ इसमें की जो समस्या मिड सीजन में आती है पाउडर मिल्डिंग की एक बढ़िया रेजिस्टेंस इन दोनों किस्म। नेक्स्ट प्लीज ये बहुत बढ़िया काम इस संस्थान का रहा कि लोबिया सिटी 3 और सिटी 4 दो किस्में लोबिया के लिया एक लोबिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि नेशनल लेवल पर सिर्फ हमारे पास क्लाइमिंग टाइप की बहुत अच्छे जीनो टाइप हुआ करते थे क्लाइमिंग टाइप में जब भी एक भी बार बरसात हो जाती तो उसमें गोल्डन येलो मोज़ेक वायरस आ जाता था पूरी पत्तियां लाल हो जाती थी और सबसे बड़ी बात उनका जेस्टेशन पीरियड भी बहुत ज़्यादा होता था। हमने ये जो काम किया उसमें कोपिंग सेंसिटिविटी दोनों कैरेक्टर का और साथ साथ गोल्डन येलो मोज़ेक वायरस अगेंस्ट वेस्टर्न डाला और डार्कनेस उसमें डाला इससे इन किस्मों की इतनी डिमांड है कि पश्चिम बंगाल से लेकर के केरल तक इन किस्मों की डिमांड है। पिछले सालों में कुछ सीड उसके ब्लैक के लिए 700 रुपए के लिए तक इसे सीड किया गया। नेक्स्ट इज भिंडी में ग्लोबल समस्या वाली एमबी की है और हमारी किस्म 1106 है इसमें वाइट एमबी के साथ इस एरिया में इनिशियल लीफ कर्ल वायरस की भी समस्या आती है जबकि स्वतंत्र पार्ट्स में हमारी इनिशियल लीफ कर्ल वायरस की समस्या नहीं है। इस वजह से हमारा जो आईएसआर वैरायटी डेवलप किया हुआ था अकानाम का उसकी बहुत अच्छी बर्बाद परफॉर्मेंस है लेकिन जो भी अकानाम का हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स में आती है 10-8 की वैरायटी में यहाँ पर ईएलसीबी की समस्या आती है। हमारी ये जो 1106 है ईएलसीबी और वायरिंग के दोनों के प्रति रेजिस्टेंस है और साथ ही साथ ये DPR1 और DPR10 करके जो संकर किस्में हैं इनकी बहुत अच्छी जगह है एक्सपोर्ट की डिमांड है और 60% हमारे जो फ्रेश वेजिटेबल एक्सपोर्ट के लिए होती है उसमें ओकरा ही जा रहा है। करेला लौकी और इसकी दो किस्में डेवलप की गई थी काशी गंगा और काशी वर्षी काशी बहार काशी काली हुए काशी गंगा में चले आगे बता देंगे काशी हर एक हमारी जो कुंभट की वरायटी है कुंभट में हमने ये चाहा कि आज के दिन में फैमिली साइज छोटी हो रही है तो उसी हिसाब से 2.5 kg 3 kg का हो और बड़े वाले अब जमाने के 10 kg 20 kg के डेवलप किए जाते थे तो उसमें और सबसे बड़ी बात उसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कॉन्टेंट बहुत अच्छा है कैल्शियम विटामिन ई का प्रिकर्सर है और ये काशी कुंभट की एक ही सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसमें जो है जो सीड्स लगते हैं एक ही स्टेप में लगते हैं एक बार आप स्कूल कर देते हैं हमारा जो इंडस्ट्री वाला तो पेठा बनाने में उसको आसानी होगी एक सिंगल करेक्टर की वजह से इसकी एक्सपेरियंस बहुत बढ़िया रहते हैं। काशी मधुर की एक तो बहुत बढ़िया केस है जैसे कि लोगों की डिमांड है 14% 15% इसकी मिठास और पहले हाउस में ग्रो करके इस तरह का यदि कलर ले लेते हैं तो बहुत अच्छी उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट ये कहा था करेले में एक हमारे पास गैलोसीजम लाइन डेवलप हो गई और कोई गैलोसीज लाइन फील्ड स्तर पर मिल जाए तो इसकी सबसे बड़ी सुविधा ये होती है कि आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन 10 चीज हो जाता है क्योंकि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कभी कॉस्टली है आज भी कॉस्टली रहेगा और क्योंकि उसमें जो है पेटेंट है दोनों मेल और फीमेल हम डिस्क्लोज नहीं करते और दूसरी बात है कि ये मैनुअल फेमिनेशन पॉलिनेशन का काम किया जाता है तो सदैव कॉस्टली रहेगा ही और ये इस तरह के कोई परेशान हो जाता है जिसमें गैलोसीजम वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छे जो है उसमें हाइब्रिड सीड 10 चीज किए जा सकते हैं। इसको बहुत बढ़िया एक्सेप्टेंस किया था जनरल ऑफ क्रेडिटिंग में और बहुत लगातार हमारा जो अचीवमेंट रहा उसमें परवल का जो है सीडीएस परवल दिया परवल को जानते हो कि उसमें जो है दोनों पौधे अलग अलग आते हैं नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं नाइसियस मिलकर का पौधा सिंगल पौधे कोई भी यदि आप ग्रीवाटा में लगाइए कि चंगाड़े में लगाइए तभी आपको नर और मादा रखना ये हमारा जो पार्टेड जो सीडलेस के पास में बाकी प्लांट है सिंगल पौधे को आप लगाइए और उसमें बेरिंग लीजिए सेम की एक समस्या है कि सेम जून जुलाई में लगाई अक्टूबर से पहले फलती नहीं है क्योंकि वो थर्मो इंसेटिव वो थर्मो सेंसिटिव है फोटो सेंसिटिव है हमको ऐसी जरूरत है कि थर्मो इंसेंसिटिव मिल जाए और फोटो इंसेंसिटिव मिल जाए ये हमने एक काम यहाँ से रांची से सिलेक्शन किया था उसमें मिल गया और पूरे हमारे इस एरिया में जो मसमेलन आता है उसमें ग्रामीण मिले थे एक बहुत बड़ी समस्या है ये करेक्शन राजस्थान से किया गया था जिसका कि जी हम कर रहे हैं भिंडी में बरसात के दिन में सबसे बड़ी समस्या आती है तो जो है उसमें जो जैसे दिया है उसकी वजह से हम एमिडा प्रोटीन का ट्रीटमेंट करते हैं जितनी बाहर की कंपनियां वो भी एमिडा प्रोटीन डालती हैं एमिडा प्रोटीन से उसी प्रोटीन डालती हैं और एमिडा प्रोटीन क्या करता है कि एक फोटो हार्मोन का
जो है उसमें ऐड करता है, जिससे पौधे की लंबाई बहुत बढ़ जाती है। और भिंडी के जब पौधे लंबे हो जाए उनको तोड़ने के लिए जाइए तो जो पत्तियां लगती हैं तो लोगों के इचिंग होने लगती है। तो हमारे प्रयास था कि कोई ऐसा डॉर्फिंग टाइप का मिल जाए पौधा जिसमें कि बेयरिंग तो बहुत अच्छी हो लेकिन इस तरह के जो है लंबाई में उसमें बढ़े, तो ये बहुत बढ़िया काम था कि उनको ऐसा दिनों का मिल गया। और वैसे भी हम पोखरा में काफी रिच हैं, हमारे पास के जो जनराज हैं उसकी डिमांड बांग्लादेश से लेकर के जो है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा का लाइकोपीन के लिए किया। लाइकोपीन को मैंने कहा कि लाइकोपीन एक एंटी प्रोस्टेट कैंसर, जो प्रोस्टेट कैंसर को दूर करने का काम करता है। लाइकोपीन जो इसका जो लाभ बढ़ाने का बहुत काम की चीज है, और एक बीटा कैरोटीन की तुलना दो गुना ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा पोटेंशियल रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे जितनी ट्रेडिशनल वैराइटीज हैं, जितनी कवरेज वैराइटीज हैं, उसमें जो लाइकोपीन कॉन्टेंट है हार्डली 1.5 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम 100 ग्राम के बीच में। हमारे पास जीनोटाइप मिला था उसमें 7 से लेकर 12 मिलीग्राम तक के लिए है। और इस तरह का एक ब्रीडिंग एफर्ट कर रहे हैं कि ऐसी हाई लाइकोपीन वाली जो है लाइन ली जाए। और इसकी सबसे बड़ी जनरल सुविधा तो ये होगी कि जैसे टोमेटो किचड़ बनाते हैं, टोमेटो सॉस बनाते हैं, तो उसमें लाल रंग की कमी हो जाती है, तो जो है चुकंदर का कभी कलर नहीं आता है। मैंने कहा इसको सिंथेटिक मिलाने की भी बात करते हैं, और यदि इस तरह का कोई नेचुरल यदि कलर मिल जाए तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात है। नई सब्जी में बढ़िया लिटरेचर दे दिया हूँ, नई सब्जियाँ दिल्ली वालों का प्रोडक्टेशन, इसी तरह से जो अपने ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स है उस पर भी कुछ काम करने की जरूरत है। हम पास में काटों के जो उनके टोमेटो हैं या जो यूरोपियन रूट की सब्जियाँ उस पर लिटरेचर तो बहुत है, लेकिन जो अपने ट्रेडिशनल सब्जियाँ हैं जैसे करेले कर ले लें, मुंगाड़का कर ले लें, परवा कर ले लें, वहाँ लिटरेचर की कमी, उस पर थोड़ा सा जरूरत है। इस पर मैंने कुछ काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसे सेम को ले लीजिए, तिमास को ले लीजिए, मुकना मुकना के हमारे पास सबसे ज़्यादा स्पेशल है। मुकना के एक मोनोग्राफ में ला रहा हूँ। मुकना में सबसे बड़ी बात है कि इसमें डोपा कंपाउंड बहुत ज़्यादा है। जब डोपा अच्छा है तो आपको पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसे डिजीज को प्रोवाइड कर सकता है। और मुकना में हमारे पास कुछ ऐसे जीनोटाइप्स हैं जिसमें की इचिंग नहीं होती, अन्यथा मुकना को जो किमांस है उसको छूने पर जो है इचिंग होती है। ये शॉर्ट बीन जैक इनके जो है एक पौधे को ही लगा दीजिए लता रोग में बहुत बढ़िया होते हैं। नेक्स्ट कॉक्सिनिया जो है जैसे परवर का डायोसेस मिर्चर का पौधा है, 4 वर्ष 5 वर्ष तक फलता है। और नर माता दोनों पौधों की जरूरत होती है, तो ये समस्या आती है उसमें। उसके लिए मैंने एक काम किया कि उनके एक्कल जो लीव्स थी उनसे कटिंग तैयार करके 200 पीछे कटिंग करके बालू लगा के और इतना बढ़िया उसमें जो है। सहजन इसका प्राचीन यूजफुल है, उसकी पत्ती को खाइए, उसको जहर दोनों को खाइए, उसके खजूर को खाइए। पिछले साल हमने एक्सपोर्ट भी किया था, और लीची के जो अरे सहजन की जो शहद बनती है वो समझ लीजिए कि लीची की शहद के बाद सबसे बढ़िया ग्रेडेड किस्मा है जो है डोमेस्टिक का है। और इन के ऊपर भी एक बढ़िया दोनों में हिंदी अंग्रेजी दोनों वर्जन में डालता है। नेक्स्ट पेज, और टेक्नोलॉजी का एक गठन के एक समावेश होना चाहिए। जैसे इसको मैं बहुत बढ़िया से साइड कर रहा हूँ कि बैगन की प्रोमिसिंग वैराइटीज को भी लिया है, रेस्ट वेट टेक्नोलॉजी को भी लिया है, मल्चिंग भी किया है, स्टेकिंग भी किया है, और सूट एंड फ्रूट प्रोडक्ट के लिए कंट्रोल करने के लिए उसमें सेक्स प्रमेंट का एक भी प्रयोग किया है, एनएसके का भी प्रयोग करता है। तो ये कहने की एक पूरे टेक्नोलॉजी का एक जो है इंटीग्रेशन होना चाहिए आपको मर्जिन बेनिफिट लेने के लिए। और एक दो लाइन सर 5 मिनट में पहले बॉस के ऊपर करेगा एक बढ़िया कमर्शियल नर्सरी रेजिंग को टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ जाए। ये वाटर प्लांट्स हैं जिसको मैंने कहा कि आज के दिन में बीज इतने मांगे हैं और भी संकर बीज इतने मांगे हैं, ट्रेडिशनल ढंग से पैदा करेंगे तो वो बहुत आर्थिक हो जाएगा। इसमें वाटर प्लांट्स को ले लीजिए, और उसका एक उदाहरण मैं इजराइल कर रहा हूँ, कितना बढ़िया उन्होंने मशीन रख सकता है रोटी मीडिया को भरने के लिए। नेक्स्ट पेज, एक पूरी मशीन ही उन्होंने रख रखा रोटी मीडिया को प्रेस करके अपना निकाल रहे हैं उधार करके, और एक एक सीट की उसकी जो है वाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज, और कंट्रोल्ड कंडीशंस में बिल्कुल टेबल के ऊपर उसकी नर्सरी रेज कर रहे हैं पॉटिंग प्लांट्स में। ये कितनी वाइब्रेंट ग्रोथ है। नेक्स्ट पेज, इस तरह से यदि नर्सरी रेज की जाए तो समझ लीजिए कि एक पॉली हाउस ही कम से कम 2-4 गांव के लोगों को देने के लिए पर्याप्त है। और ये बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि मोस्टली हम जो फूड क्राफ्ट थी उसमें ग्राफ्टिंग का काम करते थे,
यदि वेजिटेबल्स में ग्राफ्टिंग का काम करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसे टमाटर को जंगली मकोल पर कर दीजिए, चूंकि सेम फैमिली का होता है, बैगन को उस पर कर दीजिए, और सबसे बढ़िया बेनिफिट उसकी पेपर्स में मिलती है। जैसे आप जो है इसको करेले लौकी को करेले पर कर दीजिए, या करेले को लौकी पर कर दीजिए, तो जितने एमोट डिजीज हैं वो सब गायब हो जाते हैं। लेकिन आप तो पूछेंगे कि भैया इतनी बड़ी एरिया में जहाँ की जरूरत होती है करेगा, इसके लिए जापान किया है और एक में जाली का बात करनी है। आजकल मल्टीपल चला बहुत सस्ती है, और उसको लगा दीजिए और बेची जो है तब उसको करा दीजिए। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले जो रेडा वाला इस पर लगेगा सीधे उसके पत्तियों को चोट नहीं करेगा, और दूसरी बात ये 20-25 दिन तक उसमें व्हाइट फ्लाई नहीं जाएगी। व्हाइट फ्लाई भी उसकी जो मादा मक्खी है वही जो है जर्मनी वायरस को इंजेक्ट करती है, जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो जहाँ 4-5 दिन जहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, और एक बार 24-25 दिन एक बार इन्फेक्टेड और एक 25-30 दिन बाद इन्फेक्शन हो, दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। और एक काले हाउस अंदर इसमें सबसे बड़ी बात है पेनल्टी मैनेजमेंट की दिया है कि उसमें डबल स्टैंप यूज किया है और डबल स्टैंप को टेन करते हुए चला जा रहा है, और मोस्टली चेरी टाइप का टोमेटो है। इस तरह से बंपर गेन करीब 60,000 और अपने यहाँ नहीं कर दिया है। सिर्फ लौकी के बारे में कहूँ कि सब्जियों के बारे में प्रोडक्शन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। और ऐसे सेंस में जरूरी है कि जब हमारी फैमिली साइज छोटी हो जाए और शहरों में जिनके पास पैसे नहीं से पैसे हमको कमा रहे हैं, और उनके लिए यदि हनुमान छापन लौकी पैदा करते तो किसी मतलब का नहीं चलता है। और मैं नहीं चाहता कि हमारा जो कंज्यूमर्स है वो काट करके कोई चीज़ खरीद के गया और काट करके अपने घर पर भी रख के रहे। और इसके लिए कपिलाल को मैं बहुत बढ़िया उदाहरण भी देता हूँ कि एक बार मैंने भी हनुमान छापन लौकी खरीद कर लिया, मैसेज हमारी कहें कि आपको दूसरी लौकी नहीं मिली, हमने कहा क्या इतना बढ़िया तो खरीद लिया है, उनका खरीदते समय ये नहीं देखा कि किस फ्रीज में रखी जाएगी, पर कितना बढ़िया है उनका कि इस तरह से। और 1 kg कभी भी 1 kg से ज़्यादा उसका वेट नहीं बढ़ने पाए, और सामान्य तौर पर हम अपने जो प्रोड्यूसर से अपना ख्याल रखता है, सेलर्स का ख्याल नहीं रखता है कि जो सेलिंग करता है वो क्या तकलीफ उठाता है। आमतौर पर जो लोग जमीन पर फैलाते हैं उसमें जो जमीन के संपर्क में रहती है वो नीचे पीली हो जाती है, ऊपर खराब उसका रहता है। बेचने वाले को देखिए तो वो खराब वाला नीचे रखता है और ऊपर वाले को रखता है, लेकिन जो वहाँ से खरीदता है वो भी घुमा फिरा के देखता है ऊपर तो अच्छा है नीचे का रखता है, उसका भी 30-35% माल खराब हो जाता है। तो ये 30-35% माल उसका खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा दाम आपको कैसे देगा। आप उसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को बदल दीजिए, पावर को चढ़ा दीजिए, पावर को चढ़ेगी चारों तरफ से रोशनी रहेगी, चारों तरफ से हरी रहेगी, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा बिल्कुल स्टेट रहेगी, और इस तरह की जो है जैसे भरत वगैरह की किस्मों को फिर आपको सनमीन किस्म को यूज करिए जिसमें कि लंबवत रहेगा, और इस तरह की स्कोप करिए। सर्टिफिकेट का एक प्रकाशन स्कीम करते हैं, और उसके पहले हम कभी हमको बड़े शंकर विद्यार्थी प्रस्थान में ये जो बड़े शंकर विद्यार्थी और हिंदी को हम भी बढ़ावा दे रहे हैं, बड़ा लगाव होता है मेरा। और अंत में तिवारी की कृतियाँ संग कभी विंटर स्कूल में उनके लिए मैंने कहा था, और हिंदी का वो कटरा टाइटिल तो सर मृदा और संपन्न राष्ट्र बात बात में आप कर रहे हैं कि जो है यदि नदी समाप्त हो जाएगी तो हमारी सभ्यता समाप्त हो जाएगी, संस्कृत समाप्त हो जाएगी। उसी पर यह है कि सभ्यता का मूल धरती में है, यह कथम धरती के समान ही गंभीर है, हर वास वास्तव में भूमि से ही पनपता है और भूमि पर ही अपने अभियोगों को लिखता है। युद्ध ध्वस्त देश बन सकते हैं मगर जिन देशों की भूमियाँ नष्ट हो गई हैं चाहे वे सभ्यता के किसी भी शिखर पर हैं जीवित नहीं।